अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, उससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज पुलाव। वेज पुलाव की रेसिपी मैंने पहले भी अपने चैनल पे पोस्ट की थी, लेकिन उसे मैंने पैन में बनाया था तो कुछ व्यूवर्स ने कहा कि आप इसे प्रेशर कुकर में बनाइए। तो आज की इस रेसिपी में मैंने थोड़ा सा चेंज करके इसे प्रेशर कुकर में बनाया है। इसे बनाना बहुत आसान है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज इस प्रेशर कुकर वाले क्विक पुलाव की रेसिपी को शुरू करते हैं। वेज पुलाव बनाने के लिए मैंने लिया एक ग्लास बासमती चावल, आप इसमें कोई और भी राइस यूज़ कर सकते हैं। दो मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए, दो हरी मिर्च कटी हुई, थोड़े से काजू लेंगे, एक छोटा चम्मच जीरा लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी यानी कि मटर, गाजर, बीन्स और गोभी कटी हुई ली है, आप इसमें कोई और भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। दो मीडियम साइज़ के आलू छोटे टुकड़े में कटा हुआ। इसके अलावा यहाँ पर नमक हम लेंगे स्वाद के अनुसार। दो तेज़पत्ता लिया है मैंने, थोड़े से गरम मसाले लिए हैं, जो भी गरम मसाला आपके पास अवेलेबल है वो यूज़ करें। दो सूखे लाल मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट हम लेंगे एक छोटा चम्मच। घी हमें चाहिए 3 से 4 बड़े चम्मच, आप इसकी जगह तेल भी यूज़ कर सकते हैं। पानी हम लेंगे 1.5 ग्लास, जितना हम चावल लेंगे उससे 1.5 गुना पानी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले गैस ऑन करके मैंने प्रेशर कुकर गर्म किया है। प्रेशर कुकर में हम घी डाल देंगे। घी में हम ये पहले काजू को फ्राई करके निकाल लेंगे। तो काजू को मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा रोस्ट कर लें। जैसे ही काजू का कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा हम इसे घी से निकाल लेंगे। बस हल्का सा रोस्ट करके इसे निकाल लें ऐसे। इसे हम अलग रख देंगे और सेम पैन में हम जीरा डाल देंगे। जीरा डालने के बाद हम इसमें ये सारे खड़े मसाले यानी कि तेज़पत्ता, सूखे लाल मिर्च और जो गर्म मसाला था वो डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें ये हरी मिर्च और प्याज डाल देंगे। तो ये प्याज भी डाल दें साथ में। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, मिला दें इसे। तो प्याज को हम सुनहरा होने तक भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है। तब तक हम क्या करेंगे कि इस बोल में राइस डाल देंगे और इसे पानी में भिगो के छोड़ देंगे। जब तक कि हमारी सब्जियाँ वगैरह फ्राई होती है, राइस को ऐसे ही छोड़ दें। तो प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देंगे। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि प्याज का कलर जो है वो गोल्डन हो चुका है, तो हम इसमें ये अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, मिला दें इसे। अदरक और लहसुन को हम कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए भून लेंगे। बस इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है। तो अदरक लहसुन को हमने पका लिया है, अब हम इसमें सब्जियाँ डाल देंगे। तो यहाँ पर आलू डाल दें और बाकी सारी सब्जियाँ एक साथ डाल दें, मिला दें इसे। आप चाहे तो इसमें पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं। सब्जियों को हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। तो इसे जल्दी पकाने के लिए पैन को कवर कर दें, सीटी न लगाए बस कुकर का ढक्कन ऐसे रख दें और इसे पकने दें। बीच बीच में सब्जी को चलाते रहें ताकि ये जले नहीं। तो यहाँ पे 1 मिनट बाद मैं इसे ऐसे मिक्स कर देती हूँ और वापस पैन को कवर करके हम इसे थोड़ा सा और पका लेंगे। तो पैन को कवर कर दें और 2-3 मिनट बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर आलू गोभी वगैरह हल्का सा फ्राई हो चुका है। तब हम इसमें चावल डाल देंगे। तो पहले चावल का पानी निकाल दें और उसके बाद इसे इस पैन में डाल दें। चावल डालने के बाद हम यहाँ पे ये काजू डाल देंगे। अगर आप पनीर यूज़ करें तो फ्राई किया हुआ पनीर भी यहीं पे डाल दें, मिला दें इन दोनों को। चावल को हम सब्जियों के साथ आधे मिनट के लिए भून लेंगे, इससे पुलाव का टेस्ट अच्छा आता है। आप चाहें तो फ्राई करें, ये ऑप्शनल है। पैन को कवर कर दिया मैंने। आधे मिनट बाद इसे वापस ऐसे मिक्स करें, चावल को बहुत ज़्यादा ना मिक्स करें नहीं तो ये टूटने लगेंगे। तो बस ऐसे मिला के अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो 1 ग्लास चावल के लिए 1.5 ग्लास पानी यूज़ करें। मैं ये सेम ग्लास यूज़ कर रही हूँ जिससे मैंने चावल मापा था। तो यहाँ पे ये 1 ग्लास और ये आधे ग्लास। ध्यान रखें 1 ग्लास चावल के लिए 1.5 ग्लास ही पानी यूज़ करें ऐसी रेसिपी बनाने के लिए। नमक डाल दें स्वाद के हिसाब से या फिर 1/4 छोटे चम्मच, मिला दें इसे। बस इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन अच्छे से बंद कर देंगे और इसके बाद गैस का फ्लेम हाई कर दें। हाई फ्लेम पे हमें बस एक ही सीटी लगानी है, ध्यान रहे हाई फ्लेम पे एक सीटी। जैसे ही पहली सीटी लग गई है हम गैस को ऑफ कर देंगे और प्रेशर कुकर को ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद ही खोलेंगे। बीच में प्रेशर कुकर को बिल्कुल न खोलें। और यहाँ पर प्रेशर कुकर ठंडा हो चुका है तो इसे सावधानी से खोलें
और यहाँ पे राइस जो है वो अच्छे से पक गया है। अब हम क्या करेंगे, एक फोक या फिर स्पून से ऐसे इसे मिक्स कर देंगे हल्के हाथों। इससे क्या होगा, स्टीम से नीचे की राइस ओवर कुक नहीं होगी। तो ऐसे राइस को अच्छी तरह हल्के हाथों मिक्स कर दें, उसके बाद इसे बिना ढक्कन के 2 से 3 मिनट तक छोड़ दें, उससे राइस खिले खिले दिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। इसे एक बार ऐसे मैं मिक्स करके दिखाती हूँ कि सारे राइस अलग अलग हैं और एकदम परफेक्टली बने हैं। तो अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो जब भी आप प्रेशर कुकर में राइस बनाएं तो बस ये ध्यान रखें कि 1 गिलास चावल के लिए 1.5 गिलास पानी, हाई फ्लेम पे 1 सीटी और गैस को ऑफ करने के बाद कुकर को ठंडा हो जाने दें, उसके बाद ढक्कन खोलें। उससे आपकी राइस जो है वो एकदम परफेक्ट बनेगी हमेशा। तो ये हमारा वेज पुलाव तैयार हो गया है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।